वीडियो. हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो. दिस इज आर्यन वर्मा एंड टुडे आई एम बैक विद ए ब्यूटीफुल कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट. सो देखते हैं, पहले डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रीन पे मेरा कलर डिटेक्टर है, जो कि जिस भी कलर की हम लोग बीड यूज़ करते हैं अपने एयर कैनवस में, बीड अभी आपको समझा दूंगा क्या होता है, कि उसके लिए ह्यू सेचुरेशन वैल्यू सेट कर देता है. ओके, हमने अभी ब्लू कलर के लिए सेट कर रखी है. अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सो जस्ट सी, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू मेक टूडे. ऑलराइट गाइस, इंटरेस्टिंग. आई चेंज इन टू रेड इंक, मुझे रेड इंक में चेंज करना है. ये मैंने रेड इंक में चेंज कर लिया. मुझे क्लियर करना है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया. एंड मुझे अगेन ड्रॉ करना है, तो ये मैंने अगेन ड्रॉ करा. आई हैव टू चेंज टू ये येलो इंक, आई हैव चेंज टू द येलो इंक. सो दिस इज ऑल अबाउट, मैं कुछ भी टच नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ हवा में है अभी. एंड ये मेरा एयर कैनवस है, जो इस उंगली को मेरे ट्रैक कर रहा है, एंड उंगली को मेरे ट्रैक कर रहा है, एंड उंगली को नहीं बल्कि ये एक बीट को ट्रैक कर रहा है. दिस इज द बीट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये ओके, इसकी एल्गोरिदम समझते हैं पहले, एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रही है. गाइज, सबसे पहले इससे पहले अगर आपने मेरी हैरी पॉटर्स क्लोक वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो ऊपर आई बटन आ रहा है, जस्ट गो इट, गो ऑन इट, वॉच इट. एंड उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है, तो फिर मेरे को जरूर कमेंट करना. एंड गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ कर दो, कुछ नहीं जा रहा है यार, मेरे को थोड़ी मदद मिल जाएगी. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीड जो है, ये कलर ट्रैकिंग हो रही है. अगर ये इस कलर को, ब्लू कलर को हमने जहां पर ट्रैक करा, तो हमने उसका एक मास्क बना लिया. लेट मी शो यू कि हमने कैसे एक मास्क बनाया इसका. दिस इज द मास्क आई एम टॉकिंग अबाउट. जस्ट सी गाइज, कि जहां जहां ये मेरी बीट जा रही है, वहां वहां मैंने cv2.inrange फंक्शन से इसका मास्क क्रिएट कर लिया है. अब मास्क क्रिएट करने के बाद ये देखिए, इसके अराउंड जो येलो कलर का सर्कल आ रहा है, ये सर्कल है. अब सर्कल का जो सेंटर है, वो क्या कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा है कि ये बीट्स कहां कहां पर जा रही है. हेंस मेरे को सारे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं. ये स्क्रीन के अप में जा रही है, मेरे को वो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं. ये स्क्रीन के कहीं भी पोजीशन पे जा रही है, मेरे को वो कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं. और इन कोऑर्डिनेट्स से मैं डिसाइड करूंगा कि इस बीट को ड्रॉ करना है या फिर ये कलर चेंज करना है. समझ रहे हो ना गाइस? लाइक ये जो स्क्रीन के कुछ एरियाज हैं, ये जो स्क्रीन के कुछ रेक्टेंगल्स हैं, यहां पे मैंने डिसाइड कर दिया कि अगर इस बीट के कोऑर्डिनेट्स 10 टू 40 में होते हैं, या फिर 60 टू 80 में होते हैं, या फिर 90 टू 120 में होते हैं, तो इसका कलर ये, इसका कलर ये, इसका कलर ये, ऐसे करके चेंज करना है. गाइस समझ रहे हो ना, ये एक मैकेनिज्म समझ लो कि कैसे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. ये बटन्स कैसे वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली हवा में ये बटन्स, ये मैं इसे वर्कआउट नहीं करा रहा हूँ, आपने मास्क का देख लिया है. अब ये कलर कैसे चेंज कर रहा है, सिंपल है. ये सर्कल का कोऑर्डिनेट जब रेड वाले एरिया में आता है, तो इसे इंस्ट्रक्शन है कि आप रेड पे चेंज हो जाओ. ये वाला जब येलो पे आता है, इसे इंस्ट्रक्शन है आप येलो पे चेंज हो जाओ. हेंस ये अपना कलर जो है, वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेंज कर रहा है. मास्क बनाया, कॉन्टूर बनाया, कॉन्टूर डिटेक्ट करने के बाद सेंटर डिटेक्ट करा, और सेंटर डिटेक्ट करने के बाद हमने वो कोऑर्डिनेट्स स्टोर करना शुरू कर दिए. अब आती है बात कि हम इस पे ड्रॉ कैसे कर पा रहे हैं. सो गाइज, हर एक सक्सेसिव एरे में हम लोगों के पास कुछ डी क्यूज है. डी क्यूज एक ऐसा एरे स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे से और पीछे से दोनों साइड से क्यू की तरह एक्ट करता है. मीन्स वी कैन रिमूव और पुट द वैल्यूज फ्रॉम द बोथ साइड. ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है डी क्यू का. तो फिर इसमें क्या है कि यार, हम लोग जो जो कोऑर्डिनेट्स पे ये सर्कल जा रहा है, ये कॉन्टूर जिस जिस कोऑर्डिनेट्स पे जा रहा है, हम वो सारे कोऑर्डिनेट्स उस डी क्यू में स्टोर कर ले रहे हैं. रेड का जो डी क्यू है, उसमें रेड के कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो रहे हैं. येलो का डी क्यू है, उसमें येलो के हो रहे हैं. ब्लू का डी क्यू है, उसमें ब्लू के कोऑर्डिनेट्स स्टोर हो रहे हैं. अब गाइस, ये कोऑर्डिनेट्स सारे स्टोर करने के बाद, मैं हर एक सक्सेसिव फ्रेम में उन कोऑर्डिनेट्स के पिक्सल उस रिस्पेक्टिव कलर में कर दे रहा हूं. जैसे मान लो मैंने एक लूप चलाया हर एक उसके लिए, डीक्यू के लिए. अब एक ग्रीन वाले, जैसे मैं ग्रीन वाले डीक्यू में पहुंचा, उसमें ये मेरे पास पॉइंट्स हैं. अब इन पॉइंट्स को मैं ग्रीन कर दूंगा. उसके बाद मैं ब्लू वाले में पहुंचा, तो ब्लू में जो जो पॉइंट्स है मेरे पास, उनको मैं ब्लू कर दूंगा. उसके बाद रेड में पहुंचा, तो ऐसे सक्सेसिवली वर्क कर रहा है. फाइनली समझ गए ना यार, हर एक सक्सेसिव फ्रेम में अपनी अपनी एरे उठ रही हैं, उनके उनके पिक्सल्स उन कलर से रंग जा रहे हैं. उसके बाद हम कलर कैसे चेंज कर रहे हैं, हमारे पास स्क्रीन पे फिक्स्ड रेक्टेंगल्स हैं कि अगर 30 टू 40 और वर्टिकली 10 से 70 के बीच में अगर इसकी लोकेशन होती है इस कॉन्टूर के सेंटर की, तो ये इसका जो ये कोऑर्डिनेट स्टोर होंगे वो ब्लू में होंगे. और क्लियर ऑल का कैसे चल रहा है कि अगर यहां पर आता है, तो सारी की सारी डीक्यूज फिर से रीसेट कर दो. ठीक है ना गाइस, समझ गए? चलो इसकी कोडिंग देख लेते हैं. अब ऑलराइट गाइस, सो इन कमिंग इन द कोडिंग पार्ट, सो पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमें तीन चीज़ें चाहिए, तीन लाइब्रेरीज चाहिए. फर्स्ट इज cv2, numpy एंड ऑल्सो द कलेक्शन से जो हमें dq चाहिए, जिसमें हम सारे कोऑर्डिनेट्स अपने स्टोर करेंगे. उसके बाद अभी इस फंक्शन को भूल जाओ आप, मीन्स इस फंक्शन का यूज़ आपको अगर आपने हैरी पॉटर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा. मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ आई बटन के साथ.
ये सारे ट्रैक बार्स हैं। ट्रैक बार्स किस लिए यूज़ होते हैं? कलर ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ उस वीडियो को बार बार जाके देख लो अगर नहीं देखिए तो ये सारे ट्रैक बार्स हैं, इनसे हम HSV स्पेस में अपना कलर को ट्रैक करते हैं। जैसे मेरी ब्लू कलर की बीट थी तो हम उसे ट्रैक करने के लिए HSV स्पेस यूज़ करते हैं। तो ये ट्रैक बार्स क्या है उसके लिए एडजस्ट, अगर मुझे रेड कलर की बीट ट्रैक करनी है तो उसके लिए ये सारी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद ये हमारे पास सारी DQs आ गई, ये BGR ब्लू पॉइंट, ग्रीन पॉइंट एंड रेड पॉइंट एंड ऑल्सो द येलो पॉइंट्स, ये सारी DQ हो गई कि हमारे पास जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हम इन DQs में स्टोर करेंगे। ऑलराइट, अब ये हमारे पास इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्स बाद में भी बताऊंगा कि किस लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जब हम उसे जो छोटा वाला हमारे पास बीड है उसका वो साथ में थोड़ी छोटी 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 इंप्योरिटीज भी आ जाती हैं, तो उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए व्हाट वी डू इज वी डायलेट द पिक्चर एंड व्हेन वी डायलेट द फ्रेम वी नीड अ कर्नल फॉर इट। इस कर्नल को मींस इस कर्नल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम लोग एक 1111 टाइप की एरे बनाते हैं 5x5 की, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ गए कलर्स। कलर्स मींस अगर हमारे पास DQ कौन सा यूज़ हो रहा है, DQ अगर हमारे पास ब्लू वाला यूज़ हो रहा है तो हम लोग कौन सा कलर यूज़ करेंगे, 255.0.0 ब्लू का 255 वैल्यू, G और R का 00 वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आ गया पेंट विंडो। पेंट विंडो क्या है, जो आप साइड में व्हाइट वाली विंडो देख रहे थे उसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करा है। पेंट विंडो को एक मैंने numpy.0s एक एरे बनाई है जिसे BGR पूरा फॉर्मेट दिया है, उसके एरे के आप डायमेंशन देख सकते हैं 471x636 एंड उसमें 255 मैंने इसलिए प्लस कर दिया क्योंकि वो पूरा मुझे व्हाइट शीट की तरह दिखानी थी। अब उसके बाद उसमें मैंने ये रेक्टेंगल्स बना दिए। मैं आपसे बोल रहा था ना कि जब रेक्टेंगल पे हम पॉइंटर ले जाते हैं तो फिर वो वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करता है, ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिए और ये उनके बाद उन रेक्टेंगल्स में मैंने टेक्स्ट डाल दिया कि कौन सा रेक्टेंगल क्या क्या करता है। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा रियल काम चालू होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वीडियो कैप्चर से हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोगों ने कैमरा फ्रेम का इंस्टेंस लिया और उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से फ्रेम रीडिंग शुरू करी। फ्रेम रीडिंग शुरू करने के बाद हमने फर्स्ट फ्रेम को पहले HSV में कन्वर्ट करा और उसके बाद हमने ट्रैक बार की पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर हमने एक लोअर और अपर HSV वैल्यूज सेटअप कर लिया। अगर आपने मींस आपको ये जानना है कि इसमें कन्फ्यूजन है HSV वैल्यूज कैसे सेटअप करी, ऊपर ट्रैक बार पोजीशन कैसे लिए, मेरी पिछली वीडियो देख लो आपका समझ में आ जाएगा। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट एडिंग द कलर बटन्स। अब जो लाइव फ्रेम आ रहा है मींस व्हाइट वाले फ्रेम पे तो हमने एक ही बार करना था एड, लेकिन जो लाइव फ्रेम आ रहा है अगर हमें उसमें ऐड करना है तो फिर हमें हर एक सक्सेसिव फ्रेम में हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो हर एक सक्सेसिव फ्रेम में हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये जो है यहाँ पर ये CB2 डॉट रेक्टेंगल, ये 5 टाइप के रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा, 4 फॉर द कलर्स एंड 5th फॉर द क्लियर ऑल बटन। ये सारे ये हमने देखिए बटन्स को नाम दे दिए। अब यहाँ पे हमने इन रेंज फंक्शन लगाकर इरोशन और डायलेशन लगाकर हमने एक प्रॉपर मास्क क्रिएट कर लिया, जिसमें मास्क के बीच में क्या होगा हमारे पास एक बीड आ जाएगी। आपने देखा था कि मेरी बीड कितनी क्लियर रोम कर रही थी साइड में, उसके साइड में कोई भी इंप्योरिटी नहीं, अगर इंप्योरिटी हुई तो फिर वो लैग कर जाएगा, आप ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद मैंने कॉन्टोर ढूंढ लिया, यहाँ पर मैंने कॉन्टोर ढूंढ के क्या करा, अभी सेंटर नन है क्योंकि सेंटर अभी हमें मिला नहीं है। अब कॉन्टोर की अब हम देख रहे हैं कि कोई किसी इंप्योरिटी का कॉन्टोर तो नहीं है वो, तो इसके लिए हमने क्या चेक करा कि अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मींस अगर हमारे पास सच्ची में कॉन्टोर आ गया है तो यहां पर हमने एक उसका सर्कल फाइंड कर लिया, मिनिमम एंड क्लोजिंग सर्कल फाइंड कर लिया कि उस कॉन्टोर के अराउंड सर्कल ड्रॉ कर दो। उस सर्कल के बाद हमने यहां पर उसके मोमेंट्स की हेल्प से यहां पर उसके सेंटर बना लिए, उसका सेंटर बना लिया। अब हमने चेक करा, ये देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन है गाइस, ध्यान देना कि अगर सेंटर जो है वो 65 से कम है, यानी वो ऊपर के किसी चारों बटन में कुछ कहने को बोल रहा है। इट्स लाइक अब हम चेक करेंगे कि ये बोल क्या रहा है, मींस अगर ऊपर की स्क्रीन में हमारे पास चारों बटन थे ना, अब चारों बटन में मींस इट्स लाइक कि अगर इस एरिया से ऊपर वो सेंटर जा रहा है, इसका मतलब कि वो चारों बटन में से एक को ही क्लिक करने को बोल रहा है। अब हम ये चीज़ चेक करेंगे कौन सा क्लिक करने को बोल रहा है। तो ये देखिए ये इफ एल्स कंडीशन है कि रो और कॉलम के हिसाब से वो चेक कर लेगा कि अगर उस एरिया में नहीं है, अगर वो कोई भी बटन दबाने को नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करने के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर कलर इंडेक्स काम आया कि कलर इंडेक्स क्या है कि हमें बताता है कौन से कलर से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, कौन से DQ में हमें वो कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। तो हमारा अगर कलर इंडेक्स 0 है तो फिर वो कर दिया, 1 है तो फिर उसके DQ में डाल दिया, और वो डिसाइड कहाँ से हो रहा है, जब हम बटन दबाते हैं कोई, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कहते हैं ब्लू के लिए रहेगा, बट अगर हम कोई बटन दबाएंगे तो ये कलर इंडेक्स चेंज हो जाता है, बस बटन का इतना काम होता है, ठीक है गाइस। अब उसके बाद हमारे पास ये एल्स का आ जाता है, क्योंकि अगर हमने मींस खाली ये वेव कर रहे हैं उंगली एंड इस लाइक कि
उसके बाद अगर हमें बाद में कहीं से पिकअप करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो DQs में स्टोर होनी चाहिए ना वैल्यू की, ये चीज इन पोजीशंस पे ड्रॉ नहीं हुआ, वरना अगर हम एकदम से करेंगे तो एकदम से ऐसे लाइन खिंच जाएगी। मैंने यहाँ पर छोड़ा वो कलर, यहाँ पे गायब कर लिया, लेकिन यहाँ पे एकदम से खोला अगर वो कॉन्टोर यहाँ पे दिखा तो वो बीच में लाइन ड्रॉ कर देगा उसके, तो उसे रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एल्स में अपेंड कर देते हैं वो सारी। अब हमारे पास ये आ गया कि ये जो पूरा पैरा है ये क्या करता है कोड का, कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर एक DQ के अराउंड हम लोग रोम करते हैं, कि चारों DQs में हम लोग देखेंगे कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स कौन से कलर के हैं, एंड उनके जो जो पिक्सल्स हैं उन्हें हम वैसे वैसे कलर आउट कर देते हैं। एंड उसके बाद फाइनली हम cv2.imshow के मेथड से यहाँ पर फ्रेम, पेंट विंडो और मास्क, ये तीनों आपको दिखा देते हैं जैसा कि मैंने अभी दिखाया था। एंड इसके नीचे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि क्यू जो है ये मींस हमारे लिए क्विटिंग के लिए यूज हो रहा है। एंड कैप डॉट रिलीज डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ये हम लोग मींस कैमरा रिलीज और उसका इंस्टेंस जो है वो रिलीज करने के लिए यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए प्रोग्रामर, ध्यान जरूर रखना इसे मींस हटाने का, वरना मींस थोड़ा प्रॉब्लम पड़ सकता है, CPU का टाइम रनेज चला जाएगा। मैं इसे आपको रन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज ये हम लोगों ने रन कर लिया है। गाइज आप देखना कि मेरा मास्क कितना स्मूथ बनेगा, इट्स लाइक ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ना मेरा मास्क कितना स्मूथ बन रहा है, साइड में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और इसके साथ साथ ये मेरे कलर, ये है मेरे पास पेंट की जो विंडो है मेरी, इसमें भी मैं अपना पेंट कर सकता हूँ। इसे जब भी चाहूँ मैं अपने मींस जैसा मैंने अभी क्यू के साथ क्विट करा है वैसे कोई और बटन डिटेक्ट कर सके, इसे इसकी स्क्रीन में सेव भी कर सकता हूँ। ये मैंने रेड पे करा। सो फाइनली गाइज होप सो मींस आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा ना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। एंड गाइज मेरे और भी वीडियोज़ आते रहते हैं, ऐसे ही मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ, तो गाइज प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना।